बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वन पीस अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। और इसके लिए हमने मरीना फैब्रिक ली है। इसको हमने तह लगा लेनी है। कपड़े की तह लगाने के बाद मैंने ओपन साइड अपनी तरफ कर दिया और फोल्ड साइड मैंने सामने की तरफ लगा दिया। और ऊपर की साइड पे मैं 6 इंच पर वाटर मार्क करूँगी। और लेंथ जो है वो हमने लेनी है 20 इंच। अब हम गला वाटर मार्क करेंगे। गले की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंच और लंबाई हम लेंगे 3 इंच। बाजू भी हम 2 इंच पर वाटर मार्क करेंगे और लंबाई हम लेंगे 4 इंच। अब हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। कमर हम लेंगे 8 इंच। और फिटिंग हम लेंगे 6 इंच। अब कंधे से कमर तक हमने तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब ऊपर से नीचे की साइड तक भी हम तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब हम गोल गला बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपका गला जो है वो कभी छोटा हो जाता है काटते हुए, कभी बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए मैं एक टी कप यूज़ करूँगी। हमारे पास एक सिंपल सा छोटा सा टी कप है और इसकी गुलाई पे ही हम गला काटेंगे। और इसके हमने बिल्कुल गले के सेंटर पे रखना है। और लंबाई और चौड़ाई के दोनों जो निशान हमने लगाए थे वो कप के किनारों पर आने चाहिए। और हमने अब कप के किनारों पर ही लाइन लगा लेनी है। और इस तरह हमारा गुलाई जो है, हमारे गले की शेप जो है, वो बहुत ही प्यारी सी आ जाएगी। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी शेप आ गई। इसे आपका गला कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। अब हम कंधे पे भी ऐसे ही निशान लगाएंगे। लाइंस जो हैं दोनों साइड से बराबर कप पे आनी चाहिए। और फिर हम इस गुलाई पर वाटर मार्क करेंगे और हमारी गुलाई जो है बहुत ही खूबसूरत सी बन जाएगी। अब हमने सीधे सीधे लाइन पे कटिंग करनी है।
बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फ्रॉक जो है वो कटिंग हो चुका है। अगर अगर आपने इसकी स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये हमारा गला देखें बहुत ही खूबसूरत गुलाई में आ गया, बिल्कुल भी कहीं भी फ़र्क नहीं है और कहीं से भी टेढ़ा या तिरछा वगैरह नहीं है। बहुत ही परफेक्ट गला बनाने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।